गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू थर्ड लेसन संजय द ब्रेव बॉय। बच्चों, संजय द ब्रेव बॉय एक ऐसे बहादुर बच्चे की कहानी है जो अपनी एक टांग को एक दुर्घटना में गंवा देता है और सब उसके चलने के तरीके पर हंसते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और एक ऐसा बहादुरी का काम करता है जो कि सब उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। देखिए, संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय कक्षा 7 का छात्र था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। ही लिव्ड मीन्स रहता था, विद हिज पेरेंट्स मीन्स माता पिता, इन द विलेज शांतिपुर, वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। ही हैड लॉस्ट वन हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। उसने अपनी एक टांग एक दुर्घटना में गंवा दी थी। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। ही ऑलवेज फेल्ट, वह सदैव महसूस करता था, दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी टांग को देखता है, एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और उसके चलने के तरीके पर हंसा करता था। सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। सो इसलिए ही ऑलवेज, वह सदैव ट्राई मीन्स कोशिश करता था टू अवॉइड पीपल, लोगों से बचने की। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वेक हिम अप। वन मॉर्निंग, एक सुबह जब संजय नहीं जागा, हिज मदर उसकी माता वॉक हिम अप उसे जगाने के लिए गई। मदर, माता कहती हैं, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। संजय उठो, यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। संजय, अब संजय कहता है, मदर आई डोंट वांट गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना। मदर, माता, वाई संजय, क्यों संजय। संजय, आई फेल्ट नेगलेक्टेड माँ। आई फील नेगलेक्टेड माँ, मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। माई स्कूल मेट्स, मेरे सहपाठी, डोंट लाइक माई कंपनी, कंपनी मीन्स साथ, मेरे सहपाठी मेरे साथ रहना नहीं चाहते या मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते। मदर, माई डियर चाइल्ड, यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक बहादुर बच्चे हो। किसने कहा? माता ने संजय से। माई डियर चाइल्ड, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय। माई डियर चाइल्ड, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लॉस हार्ट। मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक बहादुर बच्चे हो, डोंट लॉस हार्ट, दिल छोटा न करो। यू हैव मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर बहुत से अच्छे गुण हैं। ए डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, वैन एवरीवन विल प्रेज यू, जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। संजय हाफ हार्टेडली, ओके मदर। संजय
बेमन से कहता है, हाफ हार्टेडली, आधे मन से, बेमन से, ओके मदर, ठीक है माँ। संजय वाग स्लोली टू द स्कूल। संजय धीरे धीरे स्कूल जाता है। एज ही एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना द स्कूल, ही टोटर्ड एंड फेल डाउन। टोटर्ड मीन्स लड़खड़ाना। संजय धीरे धीरे स्कूल जा रहा होता है। एज ही एंटर्ड द स्कूल, लेकिन वह जैसे ही स्कूल में प्रवेश करता है लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टेरिंग एट हिम। ही नोटिस्ड, वह देखता है कि चिल्ड्रन, बच्चे, वर स्टेरिंग एट हिम, उसे घूर रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं। सडनली दे बस्ट इंटू लाफ्टर, और अचानक बस्ट इंटू लाफ्टर, ठहाके लगाकर हंसना, जोर जोर से हंसना, और अचानक वो सब उसे देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ही फेल्ट मिजरेबल, वह अपने आप को एहसाए महसूस करता है, दयनीय महसूस करता है। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, फिर वह अपनी माता जी के कहे हुए शब्दों को याद करता है कि बेटा तुम बहादुर बच्चे हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ये शब्द जो उनकी माँ ने कहे थे उन्हें याद करता है। ही चिंड अप एंड वेंट टू द क्लास। चिंड अप मीन्स होता है कठिनाई में भी प्रसन्न रहना। ही चिंड अप, वह खुश होता है यह सोचकर, अपनी माता जी के शब्दों को याद करके खुश होता है, और क्लास में चला जाता है। ओके बच्चों, आपको पैसेज समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड मीनिंग। अवॉइड, बचना। नेग्लेक्टेड, उपेक्षा की। कंपनी, साथ। हाफ हार्टेडली, बेमन से। टोटल, लड़खड़ाना। बस्ट इंटू, ठहाके लगाकर हंसना। चिंड अप, कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना। बच्चों, टोटर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इसे सही कर लेना। TOTTERED, टोटर्ड, ठहाके लगाकर हंसना। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज संजय। आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा, इसका आंसर हु वाज संजय, संजय कौन था। संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, संजय कक्षा 7th का छात्र था। सेकंड क्वेश्चन, तो बंद पड़ी थी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। संजय लोगों से बचने का प्रयास क्यों किया करता था। संजय फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। संजय लोगों से बचने का प्रयास इसलिए किया करता था
क्योंकि वो उसकी टांग को देखते थे और उसके चलने के तरीके पर हंसा करते थे। ओके बच्चों, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और पैराग्राफ को एक बार खुद से रिपीट करना और याद करना। थैंक यू।